वो भी किसी का टॉम है, वी विल चेक दैट लेटर, पहले इसमें चलते हैं। हाँ, नाइस कल्चर्स। ये कल्चर्स मतलब मैंने इस टाइप के कल्चर्स शायद बीजापुर में भी देखे हैं। चलिए अंदर चल के देखते हैं। ओके, ये एक्चुअल मकबरे है जो ये है, ये है नवाब जो ऊपर लोहे का रखा है, देखो बल्ब को सजाए पर। ओके, वो वाला लोहे का जो ऊपर बना हुआ है, हाँ लोहे का ये कटिंग रखा है, इसके ठीक बीच में नवाब साहब के है कवर। ओके, किनारे इनके भाई लोग हैं नवाब साहब के। एक तो जो ऊंचे ऊंचे हैं दो ज्यादा जो नीचे दबे हुए, ओके मिडिल में उनका है और बाकी दो साइड में दो भाई के हैं। ओके, और इधर ये सब रोशन दान है, ऊपर की रोशनी दिखाई पड़ेगी। ओके, आप कोई भी खाते से देखेंगे तो आप मोबाइल पीछे कर लीजिए, आप यहाँ देखिए धूप दिख रही है आपको और पूरी रोशनी है सब। तो जब सूरज बिल्कुल ऊपर की तरफ रहता है तो नीचे रोशनी हो जाता है। ये रास्ता ऊपर जाने के लिए है, ये रास्ता बंद है। ये देखिए रोशनदान देखिए। ओके, देखा वो तो ऊपर से सीधा का सीधा रोशनी नीचे की तरफ आ जाता है। ये अंदर जो ठंड हवा आपको मिल रही है ये सब रोशनदान है, ये चारों ओर रोशनी है। अब कोई भी जरूरत में देखेंगे तो आपको रोशनी तो दिखाई पड़ेगी। ये भी रास्ता बन रहा है। तो मोबाइल डाल दिया गया कि कोई चढ़ के जाए ना, और जाएगा जाएगा तो पांचवे पहुंचेगा सबसे बीच वाला बंद है। हाँ। पर ठीक है, फॉर सेफ्टी बंद रखना भी अच्छा है, नहीं तो अगर किसी वजह से आप लोग नहीं रहे तो है। ओके, अब ये देखिए ये पूरी इसी लखोड़िया ईटे की है, ये देखिए पूरी बिल्डिंग ये सब। ये तो अभी सीमेंट डालना शुरू किया होगा उन्होंने रिपेयर वर्क पे। ये जो बल्ब लटक रहा है गड्ढा, दैट इज दी। ओके, ये लोहे को ऊपर रखा हुआ है ठीक, जो उस के नीचे वाला ये आई